शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ममता जी वोट लोगों को नॉमिनेशन नहीं देने दे रही है ग्राम पंचायत में। किसी ने विषय उठाया क्या, ये लोकतंत्र का हरण है कि नहीं है? मैं एक ही कहूंगा, कोई वैकेंसी नहीं है 24 में। और अगर एक बहुमत की सरकार बनती है तो देश में क्या तरक्की होती है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की सफल यात्रा इस बात का संकेत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे अभी तो शुरुआत है जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। 15 दल मिलकर के विपक्षी एकजुटता की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं तो मतभेद तो होना जाहिर सी बात है। ये तमाम बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद की है। बता दें कि बीते दिनों बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है, बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है और विपक्ष के तमाम जो दल हैं, इन दल के नेता जो है उनकी महाजुटान होती है और इस महाजुटान की अध्यक्षता करने वाले कोई और नहीं बल्कि सूबे के यानी बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। और इस पूरे महागठबंधन की और इस पूरे महाजुटान की मीटिंग के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो शिरकत नहीं करते। अब इस पर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। बता दें कि पटना साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसी मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार निशाना साधा और तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 15 दल मिलकर के ये चले हैं विपक्षी एकजुटता की मुहिम को आगे बढ़ाने तो मतभेद तो होना जाहिर सी बात है। क्या कुछ कह रहे रविशंकर प्रसाद, पूरी बातों को सुनवा। शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ममता जी वोट लोगों को नॉमिनेशन नहीं देने दे रही है ग्राम पंचायत में। किसी ने विषय उठाया क्या, ये लोकतंत्र का हरण है कि नहीं है? तो ये तो आप देखते जाइए। केरला में कांग्रेस पार्टी के नेता गिरफ्तार हो गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, तो वहाँ पर तो हम कम उतने मजबूत नहीं हैं, तो केरला में और सीपीआई सीपी में बात बनेगी क्या? तो यही तो सवाल है कि आपस में लोग की इतनी गड़बड़ी है और चले हैं मोदी जी से हराने की दिवा स्वप्न लेकर। मैं एक ही कहूँगा, कोई वैकेंसी नहीं है 24 में। और अगर एक बहुमत की सरकार बनती है तो देश में क्या तरक्की होती है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की सफल यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनता है और दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका भी भारत को सम्मान से देखता है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि देश में इमरजेंसी से भी ज्यादा स्थिति बदतर हो गई है। ऐसा है थोड़ा सा, वो तो जेपी मूवमेंट के सिपाही रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो जेपी आंदोलन से निकले हैं, क्या नीतीश बाबू, क्या लालू जी और क्या ललन सिंह, जो अपने को जेपी का शिष्य कहते हैं, जिस इंदिरा कांग्रेस ने लगाया इमरजेंसी, तानाशाही, लाखों लोगों को गिरफ्तार किया, जेपी को गिरफ्तार किया, वो आज भूल गए हैं और राहुल गांधी के सामने नतमस्तक हैं।